तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे एक ट्रस्ट फंड है, कितना है 30,000, उसको दो जगह इन्वेस्ट किया गया है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो पहला बॉन्ड है वो 5% जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। आगे कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 एमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ दे ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेंड एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो टोटल फंड है, और टोटल फंड को जब हम दो जगह, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो फर्स्ट बाउंड है ना, फर्स्ट बाउंड में कितना इन्वेस्ट किया है, एक्स रुपीज, ठीक है, टोटल 30,000 है। अगर एक्स रुपीज फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट होगा, टोटल में से एक्स माइनस कर दो क्योंकि दोनों जगह इन्वेस्ट करना है, तो 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया सेकंड बॉन्ड में। अब हम एक इंटरेस्ट वाला फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8th में भी पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100, ठीक है, जहां पे ये P जो है ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R जो है वो रेट होता है। अब यहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, जब दो बॉन्ड होते हैं तो इसमें हम ऐसे कर लेते हैं P1 R1 प्लस P2 इंटू R2 अपॉन 100, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कि हमसे मैट्रिक्स में पूछ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस तरह की मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है एक्स, सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया है 30,000 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें वन रो है और दो कॉलम है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है आई के इक्वल रखना है और आई हमारा 1800 है, यानी 1x1 का आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी टाइप की मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2x1, क्योंकि अगर ये चीज़ सेम होगी तब जाके हम कहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमने रखी, यहाँ पे इंटरेस्ट रखेंगे, पहले के लिए दे रखा है 5%, तो 5/100, और दूसरे के लिए दे रखा है 7%, तो ये हम मान लेते हैं 7/100। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो ये है 1800, तो पहले हम 1800 रख के चेक कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर 2000 रख के फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 एक्स प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 माइनस एक्स 7/100 इज इक्वल टू 1800, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है तो LCM 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5x प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2000, ठीक है, 7 3 21 और बाकी 40 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800 और 20 ये वाले, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो 5x में से 7x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, और इसको जो है हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 180000 माइनस 210000, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस का आएगा क्योंकि इसमें माइनस वाला ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0000 और 11 में से 8 जाएगा 3, तो ये आ गया 30,000, और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा यानी माइनस का आएगा, ये माइनस का 2x है, माइनस माइनस कैंसिल आउट और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15,000, ठीक है, तो यानी उसने फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट किए, तो सेकंड बॉन्ड में कितने होंगे, 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी 15,000 बचेगा, यानी उसने दोनों बॉन्ड में
इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब यहां पे बी वाले पार्ट के लिए देख लेते हैं, तो बी वाले पार्ट में क्या है हमारा, यहां पे 2000 दे रखा है, यानी इस 1800 की जगह पर हम 2000 पुट कर देंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे मैट्रिक्स सेम रहेगी, बी वाला पार्ट एक्स 30,000 माइनस एक्स 5/100 7/100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2000, बाकी सब सेम रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/100 एक्स और प्लस 7/100 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2000। यहाँ पे ये 100 है, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 5x प्लस 7 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2000 इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 लाख आ गया और ये 30,000। अब यहाँ पे 5x इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 इतना आ जाएगा माइनस एक्स 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे 5x में से अगर x जाएगा तो यहाँ पे 7x होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस का 7x, ये प्लस का 5x, तो ये माइनस 2x बचेगा और इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 लाख है और ये 2,10,000 है, तो इधर बचेगा माइनस का 10,000, माइनस माइनस कट जाएगा तो x आ जाएगा हमारा 5,000। तो अगर इंटरेस्ट हमें इतना मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 इन्वेस्ट किया, सेकंड बॉन्ड कितना इन्वेस्ट किया होगा 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000, सेकंड बॉन्ड में उसने 25,000 इन्वेस्ट किया। यही हमें निकालना था दोनों के लिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।